तो आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि संजय नाम का अर्थ जो है वह दो शब्दों से मिलकर बनता है, पहला है सम और दूसरा है जय। जय शब्द का अर्थ तो हुआ विजय और सम शब्द जो है वह उसके चार अर्थ बनते हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने दो जो मीनिंग है उसको डिस्कस कर लिया है और अब हम तीसरे जो मीनिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो मीनिंग है वह बनता है अच्छे परिणाम देने वाला, अच्छा रिजल्ट्स देने वाला, सम जय। महाभारत के युद्ध के बाद हम देखते हैं कि समाज में पूरी पृथ्वी पर फेवरेबल कंडीशंस हो गई और धर्म की पुनः स्थापना हो गई। जो चार वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वह अपनी ड्यूटीज़ का फिर से पालन करने लगे और चार जो आश्रम है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास यह भी अपने खुद के जो स्वधर्म है अपना जो रिलीजन है उसको फॉलो करने लगे और साथ ही स्त्रियां, बालक बच्चे ब्राह्मण और गायें इन सबको फुल प्रोटेक्शन मिलने लगी और साथ ही साथ पूरी पृथ्वी पर भी अनेक प्रकार के अच्छे परिणाम अच्छे रिजल्ट्स ही प्राप्त हुए।